आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो बच्चों तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि द ह्यूमन आई कैन बी रिगार्डेड एज अ सिंगल स्पेरिकल रिफ्रेक्टिव सरफेस ऑफ कर्वेचर ऑफ कोर्निया दैट इज 7.8 पॉइंट mm, ठीक है उसके बाद कह रहा है कि इफ द पैरेलल बीम ऑफ लाइट कम्स टू फोकस एट

फोकस है यानी कि क्या हो गया ये थीटा यह कहेंगे कि फोकस एट द ये 3.075 सेंटीमीटर दे रखा है यानी कि थीटा की वैल्यू दे रखी है ठीक है ये हो गया हमारा थीटा की वैल्यू कितनी है 3.075 सेंटीमीटर जो कि बिहाइंड द रिफ्रेक्टिव सरफेस पे मिल रही है ठीक है वो लाइट तो चलो हमें निकालना क्या है थीटा तो इसके लिए क्या फार्मूला यूज कर सकते हो हमें पता है कि μ2 थीटा μ1 म्यू इज इक्वल टू तो क्या होता है म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर ठीक है ये फॉर्मूला होता है हमारा म्यू निकालने के लिए ठीक है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए तो चलो वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करने के बाद म्यू अपॉन थ्री पॉइंट जीरो सेवन फाइव ये थीटा की वैल्यू है हमारी ठीक है? तो बच्चों किसके इक्वल हो गया ये हो गया हमारा म्यू माइनस वन अपॉन में सेवन पॉइंट एट ये आर की वैल्यू कितनी है सेवन पॉइंट एट जो हमें गिवन है क्वेश्चन में ठीक है तो चलो इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 7.8 म्यू ठीक है क्या हो गया 7.8 म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 30.75 म्यू माइनस 30.75 तो यहाँ से अगर म्यू निकालेंगे तो कितना होगा ये हो गया हमारा बच्चों 30.75 अपॉन में 22. कितना हो गया 9 5 देन इट इज इक्वल टू व्हाट दैट इज 1.34 इज द आंसर तो यही होगा बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है तो ऑप्शन वन हमारा मैच कर रहा है हमारे सॉल्यूशन के साथ तो दिस इज द राइट आंसर क्लास 6 से 12 तक नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटा ऐप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर